पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ऑफ जमशेदपुर और लाइसेंस क्लब ऑफ जमशेदपुर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री समर कैंप का आयोजन किया गया। ये समर कैंप 30 मई 2022 से 9 जून 2022 को आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में सभी उम्र के बौद्धिक दिव्यांग बच्चे भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कला और शिल्प, नृत्य, फैंसी ड्रेस, योग, सांस्कृतिक गतिविधि, मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को जूलॉजिकल पार्क में भी भ्रमण करवाया जाएगा। 30 मई 2022 को फ्री समर कैंप का उद्घाटन आरंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। पी बाबू राव मानद सचिव ने हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रशांत सी प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष का स्वागत किया और संक्षिप्त भाषण में संस्था के गतिविधियों के बारे में बताया। हमारे विशेष अतिथि श्री पी के चौहान हमारे संस्था की गतिविधियों और कार्यों को देखकर प्रशंसा की। समाज सेविका श्रीमती मधु सिंह ने हमारी संस्था की प्रशंसा की और भविष्य में सहयोग के लिए हमेशा आगे रहने की संकल्प ली। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रशांत जी ने संस्था के कार्यों को देखकर सरकार और समाज के प्रति जागरूक कराएंगे तथा संस्था के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। श्रीमती के रूपा हमारी विशेष अभिभावक ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में संस्था के प्रबंधक, निर्णायकों तथा अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों को धन्यवाद दिया। समर कैंप के अंतिम दिन बच्चों को सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। GBN 24 न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। क्या कर रहे आज और क्या नहीं? आज जो है पहला दिन है इस समर कैंप, 10 दिन का कैंप है। जो भी जमशेदपुर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का है के लिए एक समर कैंप है जो फ्री में है और हर दिन तरह तरह का एक्टिविटी यहाँ पर किया जाएंगे और कुछ कुछ उनको ट्रेंड भी करेंगे और एक दिन जू का भी विजिट करा रहे हैं और एक दिन जो है पेरेंट्स का भी अवेयरनेस कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है क्या। तो ये 10 दिन का प्रोग्राम पूरे इन बच्चों के लिए है। जमशेदपुर में जो भी बच्चे हैं ये कैंप में आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और ये संस्था पैरेंट एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ऑफ जमशेदपुर लास्ट 18 साल से काम कर रही है और केवल बौद्धिक दिव्यांग के क्षेत्र के बच्चों के लिए हम ये संस्था काम कर रही है। और हमारा यहाँ पर एक बड़े बच्चों का वोकेशनल यूनिट है, जो 18 साल से ऊपर बच्चे हैं वो कैंडल बनाते हैं और छोटा कल सब 4 प्रखंड का मतगणना होना है, 2 जगह पर होगा। क्या तैयारी? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में बोकारो जिला में नवाड़ी, चंद्रपुरा, चास एवं कल्याणकारी प्रखंड के सभी चारों पदों का मतगणना का कार्य कल 31 तारीख से शुरू हुआ है। इसको लेकर के जो बड़े प्रखंड हैं चास एवं कल्याणकारी, उनमें 2 मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जिसमें कि चास के कुल प्रत्येक हॉल में 22 टेबल के साथ ही 44 टेबल लगाई गई है। चंदनकारी में टोटल 36 टेबल है, मतलब 80 टेबल पर चास एवं चंदनकारी की मतगणना एक साथ शुरू होगी। इसी प्रकार से नावाड़ी और चंद्रपुरा में क्रमशः 16 और 18 टेबल